बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, बंगश स्टडी एंड ट्रेवल अब्रॉड। अच्छा, आज एक और यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जिसको बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट या बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कहते हैं। ये असल में 1990 में जब मिनिस्ट्री की डिसीजन हुई थी उज़्बेकिस्तान की, तो उसमें बनी थी। तो ये 1990 में ये यूनिवर्सिटी बनी है और इसको जो था अबू अली इब्नी सीना के नाम से इसको मुंसलिक किया था। और ये गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी है और इसको WHO ने रिकग्नाइज़ किया है। अभी तक जो PMC का लिस्ट था उसमें बी में है और MD के लिए इसके 6 ईयर्स प्रोग्राम है। अच्छा, ये है कि इसके अलावा ये भी इंडिया की जो NMC है, उसके बाद MCI था, अब उन्होंने नाम चेंज किया, तो उसके अंदर भी मतलब ये अप्रूव्ड है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान से इसके अंडर ही काम कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मतलब आप बेफिक्र होकर यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अभी जो स्टूडेंट हैं 200 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो मेडिसिन इंग्लिश मीडियम में स्टडी कर रहे हैं। और इसकी जो मॉड्यूल हैं, जो स्टडी मटेरियल है, हर चीज़ है, वो तकरीबन पाकिस्तान और इंडिया के उसके मुताबिक है, जो स्टडी है, सिलेबस है, उसकी मुताबिक है। और ज़्यादातर जो है, अगर ये स्कॉलरशिप पे देते हैं, अगर आप कोई यूनिवर्सिटी एंड हर साल के जब एग्ज़ाम होते हैं, अगर उसमें आप अच्छी वो ले लें, पोजीशन ले लें, तो आपको ये कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप में देते हैं। लेकिन बाकी ये है कि ये ज़हन में रखें कि ये सेल्फ स्टडी है, मतलब सेल्फ फाइनेंस स्टडी है, आपने ख़ुद पैसे देने हैं और पेमेंट करनी है, उसके बाद ही होते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि फर्निश्ड हॉस्टल है और इसके अलावा मेस फैसिलिटी भी है पाकिस्तानी, इंडियन और इंटरनेशनल स्टूडेंट की। और इसका जो है वो इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक ही सिलेबस है। अब कुछ बात करते हैं एडमिशन की। जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, उनको ये है कि अगर हमसे लेना चाहते हैं तो वो ईमेल के थ्रू ये डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, पासपोर्ट का जो स्कैन है फर्स्ट पेज वो स्कैन करेंगे, इसके अलावा मेट्रिक और FSC के डॉक्यूमेंट्स हो गए, इसके अलावा वाइट बैकग्राउंड से एक पिक्चर लोगे, और इसके अलावा आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक और FSC में, जिसमें मेडिकल सब्जेक्ट हो, बायोलॉजी हो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, तो ये होने चाहिए। जब आप ये डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे उसके बाद आपको 7 से 10 वर्किंग डेज में, मतलब आप कह सकते हैं कि 2 वीक्स में आपको कंफर्मेशन, जो एडमिशन कंफर्मेशन लेटर है वो होगा। उसके बाद आपने वीज़ा इन्विटेशन फ़ीस जो होती है वो भी पे करनी है, और जो उज़्बेकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो आपको वीज़े के लिए इनविटेशन लेटर इशू करेगी। थोड़ी सी इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो ये है कि इसकी फ़ीस 2022-23 में जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए, वो ये है कि डिग्री है 6 साल की और 12 सेमेस्टर होते हैं। ये सेमेस्टर वाइज वहाँ पर स्टडी होती है, हर सेमेस्टर के बाद एग्ज़ाम होगा। जो डिग्री देते हैं वो MD देते हैं, डॉक्टर ऑफ जनरल मेडिसिन, तो ये MBBS की इक्विलेंट होती है। अच्छा, आपने जब एडमिशन और इनविटेशन लेटर इशू करना है तो उसके लिए आपने $300 पहले पे करने हैं। अच्छा, सेमेस्टर के जो चार्जेस होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के चार्जेस हैं मैनेजमेंट फ़ी है, पुलिस रजिस्ट्रेशन है, इसके अलावा पिक एंड ड्रॉप जो सर्विस होती है, ये सब मिला के आपने फर्स्ट सेमेस्टर में $4,000 पे करने हैं। क्योंकि फ़र्स्ट सेमेस्टर में आपको बहुत सी चीज़ें होती हैं वो करनी होती हैं, तो इसलिए ये फ़ीस $4,000 पहले सेमेस्टर की हैं। आप इसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर से 12th सेमेस्टर का ट्यूशन फ़ी $1,800 पर होगा, मतलब ये है कि $3,600 आपने एक साल में फ़ी पे करनी है। वो सेकेंड सेमेस्टर से लेकर 12th सेमेस्टर तक है ये, हर सेमेस्टर मतलब 6 मंथ में आपने $1,800 पे करने। इसके अलावा जो दूसरे चार्जेज हैं उसमें हॉस्टल फ़ी है पर सेमेस्टर $300 तक है, तकरीबन 2 बंदों की जो बेड मतलब शेयरिंग होती है। मेस चार्जेज हैं जो ख़ुराक वगैरह के हैं पर सेमेस्टर $600 हैं। और पुलिस रजिस्ट्रेशन जो होती है सेकंड सेमेस्टर से लेके आगे तक $100 की होती है।
एयर टिकट हैं वो तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन $400 होते हैं। जब भी आप पहुंचेंगे तो उधर आपने फर्स्ट सेमेस्टर की सारी फ़ीस पे करनी है, और जब फ़ीस पे करेंगे वो रिफंडेड नहीं है, तो इसलिए वो है। इसके अलावा आपको एम्बेसी में $200 है वो आपने खुद पे करने हैं, फ़र्स्ट टाइम जो आप वो करेंगे। एम्बेसी फ़ीस है वो आप खुद पे करेंगे। स्टूडेंट्स को बुखारा स्टेट यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो उज़्बेकिस्तान की है उनकी रूल्स फॉलो करनी है। हाँ, पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं और इंडियन जो स्टूडेंट हैं वो पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की पॉलिसी को फॉलो करें, उनके रिक्वायरमेंट्स भी देखें। इसके अलावा जो इंडिया की नेशनल मेडिकल काउंसिल है तो उनको भी इंडियन के जो रूल्स हैं और मतलब मेडिकल एजुकेशन के लिए वो देखनी चाहिए। अच्छा, आप जब आपको वीज़ा मिल जाता है तो आपने वन वे टिकट लेना है और उज़्बेकिस्तान तशकंद एयरपोर्ट उधर जाएंगे, तो उधर से ही आपको बेसिकली कोशिश यही होती है कि यहाँ से स्टूडेंट्स को ग्रुप की शक्ल में भेजें और तशकंद एयरपोर्ट से आपको रिसीव करने आएंगे और वहाँ से आपको यूनिवर्सिटी पहुँचा देंगे। बस ये जहन में रखें कि जो फर्स्ट सेमेस्टर की है वो $4,000 है, और इसके अलावा जो दूसरे चार्जेस हैं वो भी आपने जहन में याद रखने हैं, तो वो तकरीबन $1,800 आपकी फ़ी बनती है। इसके अलावा $300 ये हॉस्टल फ़ीस हो गए, तो $2,100 आपने यूनिवर्सिटी को पे करने हैं। इसके अलावा पुलिस रजिस्ट्रेशन के $100 हैं तो वो भी आप यूनिवर्सिटी को पे करेंगे। मेस चार्जेस हैं तो वो तो वहाँ पे ख़ुराक के जो चार्जेस होते हैं वो आपने अलग से पे करने होते हैं। तो ये चीज़ें सारे जहन में रखें। एडमिशन अभी ओपन है, लेकिन जब भी आप मतलब करेंगे तो एडमिशन का इरादा हो तो उसके बाद आपने रابطہ करना है, हम कंफर्म करेंगे कि हाँ एडमिशन ओपन है कि नहीं है, उसके बाद आपको फीडबैक दे देंगे और आगे आपका प्रोसेस होगा। बाकी जो भी सवाल हो आपके जहन में तो वो आप मुझसे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू।